अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो मेरी उन सारी बहनों के लिए भाइयों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है जो किचन में या फिर घर में होने वाले छोटे या फिर बड़े कॉकरोचेस की वजह से परेशान रहते हैं। ये इतने डीट होते हैं, कोई भी दवाई कोई भी स्प्रे यूज़ कर लें ये जान ही नहीं छोड़ते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सस्ता और घर में रखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। मेरा अपना बहुत ही पुराना आजमूदा तरीका जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप सारी ज़िंदगी के लिए छोटे बड़े हर तरह के कीड़े मकोड़ों से निजात पा लेंगे। तो हमें सिंपल सी चीज़ें चाहिए। यहाँ पर जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए टूथपेस्ट जो कि कॉकरोच की फेवरेट चीज़ है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, सिर्फ हमें टूथपेस्ट चाहिए, फिर वो चाहे जैसा भी हो। मेरे पास ये वाला है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। टूथपेस्ट लेने का रीज़न ये है कि इससे क्या होगा कि जितने भी छुपे हुए कॉकरोच हैं वो सारे बाहर निकलेंगे और फिर उनको हमने चुन चुन के मारना है। 2 टेबलस्पून या फिर 3 टेबलस्पून लेंगे टूथपेस्ट। इसके अलावा हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लीजिएगा। मैं आधा दिखा रही हूँ लेकिन आपने भर के लेना है। इससे जो है ना वो कॉकरोचेस का होता है पेट ख़राब, हमने उसको मारना है, पहले निकालना है उसके बाद मारना है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चीनी, इसको थोड़ा सा मिक्सचर को और मीठा करने के लिए, ताकि सारे कॉकरोच चूंटियाँ बाहर निकल कर आएँ और जब ये बेकिंग सोडा और बाकी की चीज़ें ये खाएँगे तो ये आराम से मर जाएंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा सफ़ेद सिरका, तकरीबन 4 टेबलस्पून हम लेंगे। सिरके की खुशबू कॉकरोचेस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अगर वो बाहर नहीं भी निकलते तो जहाँ भी होंगे इसकी खुशबू से वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 टेबलस्पून हम ये लेंगे और इसके बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि जो चीनी हमने इसमें डाली है ये अच्छी सी इसमें घुल जाए, इसका दाना जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये देखें इस तरीके का हमने पेस्ट तैयार करना है, बहुत अच्छा आपने मिक्स करना है, चीनी में दाना बस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये देखें ये बहुत ही अच्छा सा हमारे पास पेस्ट तैयार होकर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी डिटॉल, ये भी तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इससे भी कॉकरोचेस जो हैं वो भाग जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो ये हम डालने वाले हैं। देखिए हम कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों की खुशबू ऐसी है कि ये आपसे बर्दाश्त भी होगी और आपको अच्छी भी लगेगी और आप के घर के कॉकरोचेस का भी खात्मा करेगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 गिलास मैंने पानी का लिया है तो उसमें से थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे ताकि ये मिक्सचर अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखें ये बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है सारी चीज़ों की मिलकर। ठीक है, और इसके बाद ये जो बाकी का पानी है ना इसमें ये वाला मिक्सचर हम ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 1 गिलास जितना हमारे पास ये वाला मिक्सचर तैयार होकर आएगा। ठीक है, इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि ये पानी के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखें तो बस ये हो चुका है। अब आपने इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डालना है। ठीक है, और एक स्प्रे बॉटल तैयार कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से हमारे पास स्प्रे बॉटल तैयार हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा बनाना है किचन के अलावा बाकी घर की जगहों पे भी यूज़ करना है तो फिर जो रेशो मैंने आपको बताया उसको डबल करें और फिर स्प्रे बॉटल आप ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका यूज़ किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमने किचन की सफाई करनी है, डीप क्लीन करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो ड्रॉज हैं इनको हम खोलेंगे और इसमें जितना भी सामान है, मैं तो आपको मसाले दिखा रही हूँ लेकिन आपके जो बर्तन वगैरह है वो आपने पहले निकाल लेने। एक दफ़ा तो आपने बहुत अच्छी सफाई करनी है अगर आप हमेशा के लिए इन कॉकरोचेस का खात्मा चाहते हैं। महीने में 1 दिन आप कुकिंग की छुट्टी करें और ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से सफाई करें और फिर आगे के जो मैं बताऊँगी वो करें, आप ज़िंदगी भर कॉकरोच की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अगर अखबार बिछे हुए हैं तो वो आपने ड्रॉ से निकाल लेने हैं। सफाई करें बहुत अच्छे से, गीले कपड़े से बहुत अच्छे से आपने सफाई करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्प्रे हमने तैयार किया है ये आपने सारे कैबिनेट सारे ड्रॉज जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये कॉकरोचेस होते हैं छुपे हुए होते हैं आपने ये बहुत अच्छा सा स्प्रे करना है हर जगह पे। ठीक है,
ये जितना भी लगता है कंजूसी नहीं करनी है, भर भर के आपने स्प्रे करना है और इसके बाद आप इसको छोड़ दें। अगर आप रात को करते हैं तो रात भर के लिए छोड़ दें, इसको ड्राई होने दें। हमने इसमें सिरका डाला है और डेटॉल डाला है, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। ये काफ़ी टाइम तक, जब तक खुशबू आती रहेगी, आपके कॉकरोच जो हैं वो निकल निकल कर मरते रहेंगे। और फिर सुबह में आपने क्या करना है, दोबारा से किसी ड्राई कपड़े से सारे जितने भी ड्रॉज हैं उनको आपने ड्राई कर लेना है। ये गीले नहीं होने चाहिए, बर्तन गीले होते हैं तो इसकी वजह से भी कॉकरोचेज़ ज़्यादा पैदा होते हैं। तो देखें, ये एक तरीका था, इससे तो आपके वक्ती तौर पर कॉकरोच मर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाना है तो आपने एक और काम करना है। क्या करना है, यहाँ तक काम हो गया है, दूसरा आपने क्या काम करना है, हमें चाहिए होगा बोरिक एसिड। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और ये बहुत ही कारामद चीज़ है, ये बेस्ट है, इससे आप हमेशा के लिए कॉकरोच से छुटकारा पाएंगे। ये आपको मेडिकल स्टोर से बहुत आराम से मिल जाएगा, बोरिक पाउडर या फिर बोरिक एसिड के नाम से मिलेगा। ये पहले एक पैकेट जो था वो 60 रुपीज़ का था, अब ये तकरीबन 90 रुपीज़ का कर दिया। ये देखें, ये वाला 60 का है, ये वाला जो है ये 60 रुपीज़ का है, मेरे पास पुराना रखा हुआ है, ठीक है, और ये नया वाला अब ये 90 का कर दिया है। जब सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो ज़ाहिर है इसको भी महंगा करना ही था। पहले ये 40 का होता था, फिर 50 का, फिर 60 का, अब तो खैर ये 90 का हो गया। इसके अंदर से इस तरह का एक पाउडर नुमा चीज़ निकलेगी। अच्छा, ये कोई भी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, आप खाने पीने वाली जगहों पर आराम से इसको डाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जहर है या फिर खाने से आपकी सेहत पर कुछ असर पड़ेगा। इसको आप आराम से किचन में किसी भी जगह पर डाल सकते हैं, इससे आपके खाने पीने की चीज़ों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाउडर हमारे पास आ जाएगा। अब आपने इसको किस तरीके से किचन में यूज़ करना है, ठीक है, हमने जो कैबिनेट्स जो साफ़ किए थे, जो ड्रॉ साफ़ किए थे, ये जो पाउडर है हमारे पास बोरिक पाउडर या फिर बोरिक एसिड, ठीक है, इसको हमने सारे ड्रॉज में इस तरीके से छड़क के डालना है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, छोटी छोटी गोलियां बनाई थी, ठीक है, वो भी तरीका बहुत बेस्ट है, लेकिन कुछ लोगों को वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम लगता है। तो ये वाला आप तरीका कर सकते हैं, सिंपल बोरिक पाउडर को आपने सारे ड्रॉज में इस तरीके से स्प्रिंकल करना है या फिर छड़कना है। अगर आपके फ्रिज वगैरह में भी कॉकरोचेज आते हैं ना, तो आपने यही वाला काम करना है। बेकिंग पाउडर के साथ आप बोरिक एसिड मिक्स करके और फ्रिज में इस तरीके से छड़केंगे तो आपके फ्रिज में से भी कॉकरोचेस भाग जाएंगे। दोबारा से अगर आप अखबार बिछाना चाहते हैं तो दोबारा से अखबार बिछाएं, और जो भी आपका सामान है वापस से आपने रखना है, खाने पीने की चीज़ें, जो मसाले निकाले थे, बर्तन निकाले थे, वो वापस से रखने हैं। वैसे तो मैं अखबार बिछाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो अखबार है ना, ये कॉकरोच का घर होता है और ये इनकी फेवरेट चीज़ होती है। लेकिन क्या करें, मेरी अम्मी बिछाती हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन कोशिश करें कि अखबार भी आप ना बिछाएं, वापस से सामान रखें। अगर फ्रिज से निकाला है बोरिक पाउडर, आपने फ्रिज में भी छिड़का है, तो वापस से खाने पीने की चीज़ें आप रख सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप खाने पीने वाली जगहों पे भी इसको आराम से छिड़क सकते हैं, बस जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो कवर होनी चाहिए। तो बस जो हमने स्प्रे किया है, उस स्प्रे की वजह से भी कॉकरोच मरते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे। बोरिक पाउडर डाला है, इसकी वजह से भी ये जो कॉकरोच है इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए इनका खात्मा चाहते हैं तो हर 15-20 दिन के बाद किचन की सफाई करनी है, और ये जो हमने अभी काम किया है ये दोबारा से करते रहना है, तो कभी कॉकरोच आपकी किचन में नहीं आएंगे।